ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो ओम नमते नमो रम रमाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। सभी सज्जनों को नमन वंदन कीर्तन आप सभी महानुभावों को। दिसंबर महीना दो दो राशिफल मैंने बनाया, एक सूर्य के गोचर के अनुसार लग्नस्थ राशिफल बनाया, लग्न आधार पर राशिफल बनाया, चंद्र आधारित राशिफल जनवरी महीना से 31 जनवरी तक बनाया। दोनों में नियर अबाउट कॉमन बात बताया, लेकिन मेरे प्यारे मकरू और मटके वाले कुंभ वाले बात को नहीं ले पाए। सब कुछ खोल के नहीं बोल सकते, क्योंकि सारा बात खुल के बोलने लगे तो लोगों के अंदर जिसको जो नहीं भी होना होगा ना, वो अपने मन पे फोबिया बना लेगा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आने लगेगा। तो वो सबको भी ध्यान देना पड़ता है कि राशिफल से किसी का हानि नहीं हो, कोई मेंटली प्रॉब्लम में नहीं पड़ जाए, कोई साइकोलॉजिकल सोमाटिक डिजॉर्डर में नहीं आ जाए। बहुत शार्पली देना पड़ता है, इसलिए मजाकिया लेवल पे लेके बात करना पड़ता है। किसी को बिहारी में समझाते हैं, किसी को नॉर्थ इंडियन हिंदी में समझाते हैं, फिर भी नहीं समझ में आया। बाप मेरे, सब खुल के बोलना हमारे लिए विपद है। बहुत सारा ऐसा जो एस्ट्रोलॉजी में विज्ञान है जिसको बोलना, पहले एस्ट्रोलॉजर को मार पड़ेगा, पहले ऐसे बहुत सारे हैं ना, अपमृत्यु योग, जो ज्योतिष बता देगा कि ये है, यहाँ ये बैठा है और इसीलिए इतना साल में तुम मर जाओगे, तो पहले तो एस्ट्रोलॉजर मरेगा। इतना में एक्सीडेंट होगा तो पहले एस्ट्रोलॉजर का एक्सीडेंट होगा। तो वो सारा बात नहीं बोलते, उसको हम लोग स्किप आउट करके चलते हैं और इनडायरेक्टली इंगित कर देते हैं। थोड़ा ये लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको। और अभी मकरू मटका, मकर और कुंभ दोनों के लिए पहले सेंसिटिविटी को समझना जरूरी है। नहीं डरा रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं ये सबके साथ होगा ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी सबके साथ होगा ऐसा भी नहीं है। थोड़ा समझिए बात, किसके साथ होगा, और किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो क्या है और क्यों बोल रहा हूं, दोनों राशिफल क्यों बनाया, ये दोनों बड़ा पेचीदा फैक्टर है। एक नंबर बात, सबसे पहला, मकरू राशि का आखिरी डिग्री 27-28 डिग्री पॉइंट 3 में शनि बाबा चल रहे हैं। अभी राशि संधि में बार बार बोल रहा हूं, जब भी कोई प्लैनेट बच्चा हो गया, बाल स्वरूप हुआ, या राशि संधि में गया या स्टैग्नेंट हुआ, ग्रह बाल अवस्था में गया तो डेंजर होता है, नो सर्टेनिटी, कुछ भी करेगा। दूसरा क्या, अगर राशि संधि में गया या स्टैग्नेंट हो रहा है तो ग्रह बनता है किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी करेगा। तीसरा क्या, जब ये इसको भाव बलि नहीं मिल रहा है, भाव बलि नहीं हो रहा है, तो वीक हुआ, दुर्बल हुआ। ऊपर से पीछे से दोनों दौड़ा रहे हैं, शुक्र और बुध, तो मकरू वाले क्या होंगे, बुध बनेंगे। इधर से आपका लग्नेश बच्चा हो रहा है और एक बुध जैसे बच्चा बचवा घुस गया अंदर। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, कारक हैं, मित्र हैं, शुक्र लड़की भी घुस गई, यहां तक भी ठीक है, औरत घुस गई, यहां तक भी ठीक है। द्वादश में सूर्य बैठा है, कौन, अष्टमाधिपति, ये तो राजयोग बना, लेकिन सूर्य अपना नैसर्गिक गुण धर्म नहीं छोड़ सकता। कोई भी प्लैनेट द्वादश में है सावधान होना है, कौन, अष्टम का चोर चपेट एक्सीडेंट का लॉर्ड। तो द्वादश स्थान हो गया हॉस्पिटल, द्वादश स्थान हो गया
आपका ध्वंस प्रलय बर्बाद, विदेश जेल, पुलिस चोर चपेट, एक्सीडेंट, इधर से ताकत नहीं होना और उधर से आके अष्टमाधिपति बलाबल के साथ यहां पहुंचना। और कल सांब दशमी भी था तो ये और पावर ले रहा है, दशमी का सूर्य इंडक्शन ऑफ। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, पंचम नवम का योग बना रहा है शनि से मंगल, एक्सीडेंट का लॉर्ड, और कहां देख रहा है आपके द्वादश में। राहु सुख का अधिपति का नवम दृष्टि कहां आ रहा है आपके द्वादश में। तो द्वादश क्या हो रहा है, सीवियरली एंड हायरली एक्टिव हो रहा है। क्या करना चाहिए, कहां लेके पहुंचाएगा, तो मैं यहां केवल और केवल आगाह करना चाहता हूं, बी कॉशस इन ड्राइविंग। बार बार बोला हूं, अभी फिर बोल रहा हूं, ड्राइविंग में कॉशस रहो, रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी मेंटेन करो। इधर चंद्रमा चतुर्थ और पंचम, नॉट गुड, नॉट गुड। तो हर दिन का राशिफल में भी बोल रहा हूं नॉट गुड, माइनस माइनस दे रहा हूं, नक्षत्र वाइज का भी बोल रहा हूं, भाई देखो ये स्थिति है। तो तीनों का तो इतना तो प्रेजेंस ऑफ आइडिया आप लोगों को बनाना पड़ेगा जब कहा जा रहा है, तो इससे ज्यादा इंगित नहीं करूंगा। और जनवरी महीना यहां तो चलो राजयोगात्मक खर्चा है, यहां सीधा अष्टमेश यहां पर आएगा, तो चलिए उसका तो अलग मैं वीडियो बना दूंगा, अभी बनाऊंगा तो ये लंबा हो जाएगा। और तो अष्टम का मरण तुल्य पीड़ा चोर चौपेट एक्सीडेंट का लॉर्ड लग्न के ऊपर, हाइपर एक्टिव, हाई पावर, मेंटल टेंशन, कर्म में बाधा। नहीं, सूर्य आएगा अच्छा फल अलग मिलेगा कि आपको अंदर ऊर्जा आ जाएगा, आपको ताकत आ जाएगा, कल तक कोई नहीं देख रहा था अभी देखने लगेगा, आप पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, आप उजाला दिखाई दोगे। सूर्य यहां पर मकर संक्रांति आने से मकरू वालों का ऊर्जा बढ़ता है, लगेगा कि अब दौड़ के 10 किलोमीटर भाग जाऊं, लगेगा कि अब एकदम 100 पुशअप मार दूं। ये होगा स्वाभाविक, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, लेकिन पॉजिटिव के चक्कर में नेगेटिव भूल जाओ कैसे होगा। तो फिर से यहां स्पेशल आगा आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, दिस टोटल 65 डेज, जब तक 17 को शनि बाबा भाग नहीं जाए और सूर्य से कंबस्ट हो जाए, फिर सूर्य छोड़ के आगे मकर छोड़ के मीन पे ना चला जाए, तब तक रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, होम ऑफिस सेफ्टी, और ऊपर से अगर आपका फीमेल बॉस है, यू हैव टू बाउंड टू मेंटेन दिस सेफ्टी, पूरा झुक के नीचे पीछे बैक फुट में एकदम, जी सर जी मैडम, वहां सांड और ताव दिखाओगे तो काम नहीं बनेगा। और फिर से कह रहा हूं, इधर दशम में खुला सांड छुट्टा सांड बन रहा है केतु, और मंगल से ज्यादा उग्र बनता है बनेगा यहां केतु, कहां आपके वर्क फील्ड में। तो घर से बाहर निकले तो समझना, और वर्क ऑफिस में घुसे तो समझना कि नाउ यू आर द एक्सिस ऑफ केतु, तो किसी से भी बाधाबादी हो जाए, कोई भी लेग पुलिंग पे बैकफायर कर सकता है, आपको कोई दया नहीं करेगा। देखना अभी आपके वर्क फील्ड में कोई दया नहीं करता होगा, आपका नाम पे जाके चुगली करता होगा, चुगलखोर बड़े होंगे। तो ये स्पेशल एक्स्ट्रा राशिफल बना के देना पड़ रहा है, कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए बोल के, इसके लिए थोड़ा सावधान होना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। और प्लीज फिर से कह रहा हूं, अभी आपके लग्नेश दुर्बल हो रहे हैं, लग्नेश डाउन हो रहे हैं, तो नेचुरली मकर और कुंभ वालों को एनर्जी का कवर रिकवरी में प्रॉब्लम रहेगा। और आप अगर चाहते हो कि मुझे अच्छा फल मिल जाए, तो यही टाइम है, जो लोग पहले से जप उप करके रखे हैं उनको काम देगा। पहले से कभी जप उप किया नहीं, पहले से कुछ किया नहीं, दारू माच मछली अंडा खा के घूम रहे हो, और अभी वो लगे मेरे को कुछ कर दो, आशीर्वाद कर दो, तंत्र मंत्र जंतर कर दो। मैं सब, आप जितने सारे सब्सक्राइबर सबके लिए करता हूं और करता भी रहूंगा,
ये कर्तव्य कर्म है मेरा, जरूर करता हूं। लेकिन आप अगर अपने को सेफ नहीं रखोगे, खाली पूजा पाठ का भरोसा रखोगे, कैसे होगा। चलिए, धन्यवाद।